देवरिया में जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में आपको बता दें कि शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था। तमाम जो है लोग तथ्यों को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे परिवार को एक साथ में आप बता दें कि जो है तमाम रंजिश के चलते जो है घटना को अंजाम देने की बातें सामने आ रही थी। उस परिवार में सिर्फ ये अभी जो मासूम जो बच्चा है वो अस्पताल में केवल जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो खुद आज बीआरडी जो मेडिकल कॉलेज में गए और वहाँ पर उनका हाल चाल लिया। आपको बता दें कि जो घटना हुई इस घटना के बाद में तमाम तरीके से खुद मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए थे और किसी भी तरीके से जो तमाम जो आरोपी जो है वो जो जिनको बताया जा रहा है कि घर्षण के भाग्य उसके लिए उन्होंने साफ निर्देश दे दिया था कि किसी तरीके से बख्शे ना जाए। यानी जो घटना को अंजाम दिया है उन्हें तत्काल प्रभाव से किसी भी तरीके से जो उनको है गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इसके जो है वहाँ पर तमाम निरीक्षण के बनने के बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गए। वहाँ पर जो तमाम जो मरीज भर्ती है उनका भी उन्होंने हाल चाल लिया। आपको बता दें कि देवरिया की जो घटना हुई उसको लेके हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो लोग हैं जो परिवार के जो सदस्य जो फिलहाल जो छोटा जो बच्चा है वो बचा हुआ उसको लेके भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अपने जो है घर को वापस चला जाए। लेकिन जो घटना हुई है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तमाम उस पर सवाल या निशान भी उठ रहे हैं कि अगर समय रहते तमाम चीज़ों का जो फैसला हो गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन जिस घटना के बाद में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है, सियासी खेमे में लगातार उसको घेरने की लोग कोशिश कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी तमाम जो सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इन सब के साथ मैं आपको बता दें कि इस एक घटना के चलते जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इस पूरी घटना के बाद में संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि जो भी मरीज है किसी भी तरीके से जो परिवार के जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और साफ तरीके से उन्होंने जाँच के भी आदेश दे दिए कि तत्व कहाँ पर रहे, क्या गड़बड़ियाँ हुई, किस तरीके से जो है तमाम चीज़ों को इस घटना में तमाम जो है अंजाम तक ये पहुँची। फिलहाल इसको को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि इसमें किसी तरीके से कोताही नहीं बरती जाएगी। जो जांच का आदेश जिस तरीके से भी होता है तो उसकी जांच के आदेश जांच कराई जाएगी। और अंतिम गलियारों में फिलहाल इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है।